हेलो दोस्तों, मैं सुदीप कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड डेटा एनालिटिक्स। तो आज की हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की टॉपिक MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए, और हमारे साथ दो पर्सन ज्वाइन है, एक सुरेंद्र जी है और एक सुनील जी चंडीगढ़ से। सुरेंद्र जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ एक स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, और हम बात करेंगे इसमें MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन की। तो आज हमारा पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीजों के बारे में जान लेते हैं। हालांकि सुनील जी और सुरेंद्र जी आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एक्सेल को अच्छे तरीके से जानते भी है थोड़ा बहुत या बहुत जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल नहीं समझूंगा और जीरो से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपके पास नॉलेज क्या होगी, आपके पास होगी जितना आपने उसका यूज किया है उतना ही नॉलेज होगी। बट मेरी क्लासेस में हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ एडवांस एक्सेल का यूज ऑफिस में क्या होता है, सबसे पहले चीज पे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ रेफरेंस के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में, और इस क्लास के लास्ट में हम आपको एक 5 आवर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक शेयर करेंगे। जी हाँ, 5 आवर का इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक आपको हम शेयर करेंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग के लिए, या फिर किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके लिए वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो पूरी क्लासेस को आप अच्छे तरीके से ध्यान लगा के देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल का या एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज क्या होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज के बारे में बताएं हम आपको, तो कई सारे इसके फैक्ट हैं। देखिए, कुछ लोग इसको बस बेसिकली यूज करते हैं, कुछ लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, कुछ लोग इसको एज ए सपोर्ट यूज करते हैं, कुछ लोगों का सारा काम एक्सेल पे ही होता है। तो एक्सेल मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। अगर हम आपको कंपेयरिंग करें, तो जब 25 साल 30 साल या 40 साल पहले कंप्यूटर नहीं था या कंप्यूटर का उतना क्रेज नहीं था, तो हम लोगों का जो ऑफिशियल वर्क होता था वो किसका होता था, रजिस्टर पे होता था। हर चीजों के लिए हम लोगों के पास अलग अलग रजिस्टर हुआ करते थे। तो एक तरह समझिए कि एक्सेल एक आपका डिजिटल रजिस्टर है। अगर हम एक्सेल की आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, तो इसमें फाइल होता है, इसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं, और उसके अंदर नंबर ऑफ शीट्स होते हैं, और शीट्स के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं, और जो भी डेटा होल्ड होती है एक रो पे होती है। अब बात करते हैं कि एक्सेल का इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें एक्सेल का यूज में, वो है हमारा डेटा स्टोरेज। जी हाँ, डेटा स्टोरेज। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोर तो हम करते हैं, बट एक कोई डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस ना होने के पीछे रीजन है कि इसकी एक तो लिमिटेशन है। हालांकि इसमें देखिए इन्होंने दे रखा है आपके यहाँ पे कि 10 लाख है, लेकिन इसमें 2 या 3 लाख का डेटा बहुत हैंग होता है, बहुत ही ज्यादा जो है स्लो चल रहा है, तो इसमें डेटा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। 1 लाख से डेटा होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत करना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, इसकी सिक्योरिटी उतनी टाइम में, एक्सेल फाइल में अगर आपने पासवर्ड लगा है तो बहुत सारे पासवर्ड रिमूवर है जो कि इसको इजीली आप लोगों को ब्रेक कर देते हैं। हो गए। तीसरी चीज इसमें हम बात करें, तो तीसरी चीज में है कि ये बहुत सारे डेटाबेस की सिक्योरिटी को फॉलो नहीं करता है। समझ में आया था आपको? यस सर। हाँ, तो डेटाबेस के बहुत सारे नियम को नहीं करता, लेकिन फिर इस पर डेटा स्टोर क्या करते हैं।
इसमें दो दो या तीन तरह का डेटा होता है, थ्री टाइप का। पहला होता है स्मॉल डेटा एंट्री, जैसे कि मुझ जैसे या बहुत सारे ऐसे छोटे उद्यमी है उनके पास डेटा 20 या 25 MB का आसपास से होता है, मतलब कि 20 MB से ज्यादा डेटा नहीं क्रिएट होता है। उसके बाद छोटा प्लेटफॉर्म है, तो उन लोग जो है एक्सेल पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो एसक्यूएल सर्वर बड़े बड़े, जैसे मुझे ही देखिए, बड़े बड़े एसक्यूएल सर्वर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए एक्सेल पे मैं भी पूरा डेटा रखता हूँ। मेरे जैसे जितने भी छोटे उद्यमी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छोटे ऑफिसेज हैं, वो एक्सेल को डेटा में, एक्सेल का जो डेटा है, सॉरी जो डेटा है वो एक्सेल पे ही रखते हैं, जो भी कैलकुलेशन वगैरह एक्सेल पे ही करते हैं। दूसरी इसमें आता है मिसलेनियस डेटाबेस, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, SME कंपनी है नहीं है, बहुत MNC कंपनी जो है वो लोग भी एक्सेल का यूज करते हैं, तो उसके वो लोग दो चीज के लिए यूज करते हैं। पहले मिसलेनियस डेटाबेस, अब मान लीजिए कि आप अकाउंट टीम में काम करते हैं और आपने अकाउंट का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम आपने टैली पे रख रखा है, फिर भी आप एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपने मिसलेनियस डेटा, मतलब कि जैसे पेटी कैट का रिकॉर्ड हो गया, अब 2 रुपए की फोटो स्टेट हुई है, उसके लिए आप लेजर क्रिएट तो नहीं करेंगे, तो सारा रिकॉर्ड हम एक्सेल पर रखते हैं और टैली में सिर्फ एक पेटी कैश का लेजर क्रिएट होता है, उसी में डेबिट क्रिएट होता है। ओके ये हो गया हमारा। राइट सर। उसके बाद होता है एनालिसिस डेटा, जैसे कि हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो कोई भी अगर रिपोर्ट बनती है तो उसके पीछे उसका डेटा होगा। एक तो हुआ कि आपने कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट बना दिया, तो उसमें सिर्फ समरी हुई डेटा नहीं, लेकिन अगर आप ऑटोमेटेड रिपोर्ट बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको अपने डेटा को रखना पड़ेगा। जैसे सामने रिपोर्ट रहे, तो इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है, एक कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है कहाँ से, डेटा से। तो सॉफ्टवेयर में हम कैसे, मान लीजिए मुझे अगर इस मंथ का रिपोर्ट बनाना है, तो मेरा जो डेटाबेस है, चाहे ऑरिकल हो, एसक्यूएल हो, सैप है, बहुत सारे डेटाबेसेस है, उस डेटाबेसेस से इस मंथ का डेटा को हम डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद फिर उसके ऊपर हम रिपोर्ट बनाएंगे। तो जो एनालिसिस डेटा होती है, जो रिपोर्टिंग की डेटा होती है, उसको हम एक्सेल पे होल्ड करते हैं, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोर तो सॉफ्टवेयर में हुई है ना, हमने यहाँ पे उसको होल्ड किया है ताकि रिपोर्ट हमारा उससे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहे। तो डेटा स्टोरेज इसलिए की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कैलकुलेशन। जी हाँ, एक्सेल मेरे हिसाब से एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए एक्सेल बेस्ट है, और एक्सेल से अच्छा कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता। क्यों? जैसे आप एमएस एक्सेस यूज करते हैं, आप एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, वो सेल टू सेल कैलकुलेशन करता है, सेल टू सेल नहीं, क्योंकि वहां एसक्यूएल में, ऑरिकल में, सैप में एक पर्टिकुलर सेल का एड्रेस नहीं होता है। जैसे कि यहाँ एड्रेस है D3, तो अगर मान लीजिए मुझे D3 पे +20 करना है, तो हम यहाँ पे D3 को सेलेक्ट करेंगे और +20 कर देंगे, तो किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर यहाँ पे बहुत सारे और भी कैलकुलेशन टाइप ऑफ कैलकुलेशन के फॉर्मूलेज हैं, तो कैलकुलेशन के लिए इन बहुत ही अच्छा यूजफुल और बेनिफिशियल एप्लीकेशन एक्सेल है। आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, आपको अटेंडेंस कैलकुलेट करना है, आपको अपना कैप अपना सेल्स कैलकुलेट करना है, आपको आपका इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, एवरी टाइप ऑफ द कैलकुलेशन आप एक्सेल में कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा ये है। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस, तो उसके बाद जो है चौथा, जो है चौथा क्या है, डेटा एनालिसिस। अब मान लीजिए किसी भी डेटा पे मुझे छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ए एक्सेल जो है विद इन 5 मिनट में या उससे भी कम टाइम में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल डेटा सेल्स का है, मुझे ये पता करना है कि रीजन वाइज कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, बस
मुझे ये चीज पता चलना है कि किस रीजन में कितनी क्वांटिटी को सेल किया गया है। तो एक्सेल में हम जस्ट क्या करेंगे, पिवट लगाएंगे। अब देखिए विद इन मिनट के अंदर में इस इंफॉर्मेशन को मैं निकाल सकता हूँ। हमने यहाँ पे कस्टमर ने रीजन, हाँ रीजन रखा और क्वांटिटी को रखा, रिपोर्ट बन गई। इस पे मुझे अगर विजुलाइजेशन भी करना है तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम विजुलाइजेशन डाल देंगे, ओके। और इसको और भी फॉर्मेटेड करना है तो हम यहाँ डिजाइन पे जाएंगे और बड़े मुलायम फॉर्मेट्स हैं अप्लाई कर देंगे। एक छोटी सिंपल सी हमारी एक एनालिसिस हो गई कि किस, हमें पता चल गया कि नॉर्थ अमेरिका सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करता है। समझ गया सर? तो एनालिसिस का या डेटा रिप्रेजेंटेशन का, अब बोलेंगे सर प्रेजेंटेशन का यूज तो हम करते हैं किसमें, पावर पॉइंट में करते हैं, एक्सेल में कैसे? जब हम डायनेमिक रिपोर्ट की हम बात करते हैं, जी हाँ डायनेमिक रिपोर्ट, जैसे आपके सामने रिपोर्ट दिख रहा है, ओके? अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, मैं यहाँ पे मुझे अगर नेक्स्ट डे का रिपोर्ट चाहिए, बस क्लिक करूंगा पूरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी अगले दिन का, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन। तो अब पावर पॉइंट में मुझे हर रिपोर्ट के लिए अलग अलग स्लाइड बनाने पड़ते हैं ना, बट यहाँ एक ही विंडो पे हमें नेक्स्ट और प्रीवियस करते हैं पूरी रिपोर्ट चेंज हो जा रही है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट कनेक्टेड है किससे, फॉर्मूला से, डेटा से, जो कि पिवट टेबल में इस तरह करना मुश्किल है और बहुत सारी चीजें हो ही नहीं सकती। सो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी हमारा एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला और सबसे ज्यादा यूजफुल और जिसने एक्सेल को पॉपुलर बनाया वो है डेटा शेयरिंग का। अब जैसे मेरे पास एक्सेल से भी अच्छा और कम टाइम में पावरफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव रिपोर्ट डैशबोर्ड और टैबलू बना लेता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसकी रिपोर्ट को देखने के लिए जो भी रिपोर्ट को बनी हुई रिपोर्ट को देखना चाहता है उसके पास टैबलू एंड पावर बीआई होना चाहिए। अगर उसके पास टैबलो एंड पावर बीआई नहीं है तो रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं देख पाएगा। रीजन ही क्योंकि हर किसी के पास रिपोर्ट पावर बीआई नहीं हो सकता, क्योंकि जिस एप्लीकेशन का बना पाए उसी एप्लीकेशन में खुलेगा, एक्सेल में नहीं बनाता है, बट एक्सेल एप्लीकेशन हर किसी के पास होगा। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाए तो मुझे 95% से ऊपर कंप्यूटर में एक्सेल तो होगा ही होगा। अगर एक्सेल नहीं है तो उसके बाद एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे कि एक्सेल व्यूअर, ओपन ओआरजी, ऐसे तो होंगे ही होंगे। एटलीस्ट मान लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो रिपोर्ट को जीमेल पे जाके देख सकता है, जी हाँ जीमेल पे जाएगा और उस रिपोर्ट को सिंपली देख लेगा। कैसे देखिए यहां पे, सर तो अगर ये फीचर नहीं होती तो एक्सेल इतना पॉपुलर नहीं होता सर, क्योंकि रिपोर्ट उतनी बनती नहीं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे। हम ये तो हो गई एक्सेल की यूज, तो हमने एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने बताया कि एक्सेल का यूज होता है डेटा स्टोरेज के लिए, बट डेटा स्टोरेज में ये डेटाबेस नहीं है, मिसलेनियस एसएमई एंड एनालिसिस डेटा को होल्ड करते हैं या सेव करते हैं। दूसरा एक कैलकुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तीसरा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है सर, डेटाबेस और इसमें क्या आपको डिफरेंस है? नहीं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। हेलो आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सर, आप बता रहे थे कि एक्सेल डेटा स्टोरेज है पर डेटाबेस नहीं।
ऑडिकल होता है ना, डेटाबेस है ना सर, इसको डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें लार्ज लार्ज होने के बाद क्या होता है कि हैंग करता है, होते हैं फाइल इजीली कोई डिलीट कर सकता है, इसलिए इसको हैक कर सकता है, मतलब इसकी पासवर्ड को ब्रेक कर सकता है, प्रोटेक्शन इसकी अच्छी नहीं है, समझ रहे ना, इसलिए। यस सर, यस सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम, आपने इसकी कोर्स को एनालाइज किया है मेरा, क्या क्या टॉपिक कवर होगा? चलिए तो इसकी कोर्स के बारे में भी आपको एक बार हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं आपको, ताकि पता चल जाए कि हम क्या करेंगे। तो कोर्स की डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं, वहां पे आपको मेरे कोर्सेज का डिटेल मिल जाएगा। अब इसमें जो है वो है, यहाँ देखिए एडवांस, इसमें जो है तीन कोर्सेज इंक्लूडेड है, तीन नहीं चार सॉरी, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वीबीए प्रोग्रामिंग एंड इसमें आपका आता है एमएस एक्सेस, उसके बाद आता है इसमें आपको डैशबोर्ड, ये आपका दिख रहा है आपको एक कंप्लीट कोर्स है। इसके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहला आता है लेवल वन एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, दूसरा आपका आएगा वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, तीसरा आपका यहाँ पे आता है वो आता है एमएस एक्सेस डेटाबेस एंड सीक्वल क्यूरी, एंड चौथा इसमें आता है आपका एक्सेल डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन। मतलब कि चार तीनों के ऊपर से तीन लेवल हमने सीखे हैं, उन तीनों का हम ये समझिए कि ऑफिशियली या फिर प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे केस स्टडी होता है, हम बताएंगे कि आप ऑफिस में रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। ओके, तो एक कोर्स इंक्लूड होगा। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी कंप्लीट ड्यूरेशन जो लगेगी आपको तकरीबन 100 आवर के आसपास लगेगी। जी हाँ, ड्यूरेशन एवरेज है, ये बढ़ सकता है घट सकता है, ये आपकी लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। पर डे आपकी क्लासेस जो होगी वो होगी 45 मिनट के आसपास। अब आसपास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मेरे टॉपिक मैंने पढ़ाया, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो जाहिर सी बात है क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर मैं टॉपिक पढ़ाया, आपने क्लास, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए, इसका मतलब है कि क्लासेस में टाइमिंग बढ़ जाएगी, तो 1 घंटा भी हो सकता है। और जब हम डैशबोर्ड की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हर क्लास से 1.5 से 2 घंटा तो होगा ही होगा। चलिए, उसके बाद इसमें आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग, आपका जो जूम ऐप है ऑटोमेटिकली सेशन को रिकॉर्ड कर देता है आपके सिस्टम में। अगर किसी दिन आपने सेलफोन से डिस्कनेक्ट किया तो सेलफोन से कनेक्ट होने पर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं होती है, तो उस केस में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको रिकॉर्डिंग किसी न किसी मीडियम से भेज दूंगा। आर्टिकल्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, पीडीएफ बुक्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, टेलीफोनिक सपोर्ट होगा, कभी भी प्रैक्टिस करते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कॉल कर लेंगे या व्हाट्सएप कर देंगे। ऑफिशियल ऑफिस के अंदर जो काम करते समय कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए ऑफिस में आपने पिवट टेबल यूज कर रहे हो, पिवट टेबल में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, तो आप ऑफिशियल प्रॉब्लम को क्लास में डिस्कस कर सकते हो। इसलिए हम क्लास से 5 मिनट पहले और क्लास से 5 मिनट बाद, क्लास खत्म होने के 5 मिनट बाद हम आप लोगों को टाइम देते हैं, ताकि आप लोग अपने आउट ऑफ द टॉपिक जो आज हमने पढ़ाया है उसके बाद कहीं बाहर का टॉपिक को पूछ सकते हो। ऑफिस में काम करते समय भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको टेलीफोनिक सपोर्ट दे देंगे। और टेलीफोनिक सपोर्ट जो है आगे भी क्लास कोर्स खत्म होने के आगे भी चलता रहेगा। एक तरह समझिए कि आपको सिर्फ मैं एक्सेल सिखाऊंगा ही नहीं, एक्सेल में काम करते समय कोई भी प्रॉब्लम हुई उसमें आपको मैं सपोर्ट भी दूंगा, ताकि आप अपना ऑफिस में सही ढंग से हर एक काम को कर सके। जहां आपको एक्सेल में प्रॉब्लम होगी वहां हम आपको सपोर्ट देते रहेंगे। उसके बाद उसमें आएगा आपको फ्री रीज्वाइनिंग का ऑप्शन। अभी क्या है कि मैं 100 घंटे मतलब कि 3 महीने के आसपास में इतने सारे चीजें सिखा दूंगा आपको मैं, कि मुझे नहीं लगता है कि सारी चीजें आप याद रख पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस, आपने उसका यूज नहीं किया, उसको आपने ऑफिस में यूटिलाइज नहीं किया, तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी रिफ्रेश की, रिफ्रेश होने की, ब्रशअप होने की। तो उस केस में हम आपको फ्री रीज्वाइनिंग का ऑप्शन देते हैं कि आप कभी भी मेरे किसी भी रनिंग बैच में आइए
और अब ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करके आप अपने कोर्स को दोबारा पूरी कोर्स को या किसी कोर्स के किसी पार्ट को आप फिनिश कर लीजिए या दोबारा से रिपीट कर लीजिए। तो सुनील जी एंड सुरेंद्र जी, सर कोई प्रॉब्लम किसी तरह का क्वेश्चन? नो सर, अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, दूसरी चीज आती है इसमें जो मैं पहली क्लास में आपको क्लियर कर देता हूं कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है वो होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए टाइम। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो आपको एक कोर्स ज्वाइन करके अपना टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स नीड टू प्रैक्टिस। तो आपके अगर बोलेंगे सर ऑफिस में तो पूरा दिन मैं एक्सेल पे ही काम करता रहता हूँ, सर इससे पहले भी तो आप एक्सेल पे काम कर रहे थे। तो ऑफिस में काम करना नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि जो मैंने चीजें सिखाई उसकी वीडियोस को दोबारा से देखें, उस सेम चीज करने की कोशिश करें। छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो फोन उठा के हमें फोन कर लीजिए, बड़ी प्रॉब्लम आ गई डायरी में नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो टॉपिक मैंने सिखाया, जैसे मैंने आपको सिखाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो टॉपिक मैंने आपको सिखाया उस टॉपिक को आप गूगल पे सर्च करें, और मेरे जो एग्जाम्पल थे उसके अलावा और नई एग्जाम्पल खोजने की कोशिश करें। उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि जो मैं चीजें सीखी है ये ऑफिस के काम में कहां मैं यूज कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन, कि आपने जो जो चीजें सीखी है उसको ऑफिस में यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आप उसी के लिए सीख रहे हैं ना सर। तो ऑफिस में ढूंढिए, जगह ढूंढिए कि मैं इस फीचर को मैं ऑफिस में कहां यूज कर सकता हूं। अगर आपने जगह ढूंढ लिया, इसका मतलब है कि आपका और मेरा जितना मैंने मेहनत किया वो हमारा उसका जो सफल हो गया, मतलब उसका पेनिक आ गया। ठीक है, कि जिस ऑप्शन का आपने ऑफिस के वर्क में यूज कर लिया, इसका मतलब है कि आपने और अपना और मेरा जो मेरा मेहनत है मेहनत सफल हो गया, समझ गए। दूसरी चीज, आपको थोड़ी बहुत बेसिक एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आपको पहले से एक्सेल की कितनी नॉलेज है, तो मैं शुरुआत में कहा कि हम आपको जो है बेसिक से सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए ना सर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एक वीडियो है, एक वीडियो है ऑफिस 365 का। आप मान लीजिए कभी अगर ना मिले तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं मेरा, मेरे चैनल पे, मैं दिखाता हूं आपको। YouTube पे, YouTube पे जाना है और मैं ऐसे में आपको ये कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। YouTube पे आपको सर्च करना है एक्सेल 365 आईपीटी इंडिया। तो ये 5 आवर की वीडियोज आपके ऊपर आ जाएगी। आगे सर, ये 5 आवर की वीडियोज को मैं बोलता हूं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। तो हर किसी जो भी हमारा स्टूडेंट ज्वाइन करता है, हर किसी को मैं बोलता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो जिनको वीडियो नहीं मिलेगा वो लोग मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हम आपको ये वीडियो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे मैंने व्हाट्सएप कर दिया है सुनील जी और ये। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले इस वीडियो को जितना हो सके उतना देखें। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो पहले से आपको पता होगा, जो चीजें पहले से पता है उसको स्किप कर दीजिए, जो चीजें नहीं पता है उसको देखिए। ये वीडियो मैंने बनाया था इंटरव्यू पेरेंट्स के लिए, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि क्या क्या चीजें पूछ सकता है। ये 5 घंटों की प्रिपरेशन, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली तो आप मोस्टली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ओके, राइट सर। इससे एक बार आपने अपने एंड से आप देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, कल से हम इसी टाइम पे आपके साथ कंटिन्यू क्लास करेंगे। आज हो सकता है थोड़ी सी भी वॉइस ब्रेक हो रही हो, क्योंकि आज का पहला दिन है, सॉफ्टवेयर अपना पैसेज डाउनलोड कर रहा होगा, बट कल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके सर, मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय बाय।